गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PN अमरसी ई लर्निंग क्लासेस। चैप्टर नंबर 16, मदर टेरेसा। दे से चैरिटी बिगिंस एट होम एंड इट शुड नॉट बी एंड देयर। लेट अस स्प्रेड द गुडनेस ऑफ अवर डीड्स अराउंड एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो बच्चों, हम ऐसे लेसन से हमें यह सीख मिल रही है कि अच्छाई को हम जितना ज़्यादा दुनिया में फैलाएंगे, उतना ही अच्छा हमारी दुनिया रहेगी हमारे लिए रहने के लिए। रोहित्स टीचर आस्क्ड देम टू राइट रिडल्स अबाउट सम फेमस वर्ल्ड पर्सनालिटीज। शी गेव देम 10 मिनट्स टू राइट द रिडल्स, देन द होल क्लास हैड टू गेस द नेम ऑफ दैट फेमस पर्सन। तो रोहित की टीचर ने कुछ रिडल्स लिखने के लिए कहा था कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में, और टीचर ने 10 मिनट दिए थे उन्हें लिखने के लिए। When Rohit's turn came, he asked, I am thinking of someone in white sari who worked for long hours every day, taking care of the sick, the lonely and the homeless. She gave shelter to poor and needy children. Can you guess whom I am talking about? तो जब रोहित का टर्न आया, मौका आया क्लास में रिडल के बारे में बोलने का, तब उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा इंसान जो कि वाइट साड़ी पहनती है, काफ़ी घंटों तक दिन में काम करती है, बीमार है, लोगों का घर नहीं है, अकेले हैं, उनकी मदद करती है, रहने के लिए खाने के लिए उन्हें देती है, यहाँ तक कि जो गरीब है या नीडी बच्चा है उन्हें रहने के लिए घर देती है। कैन यू गेस कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? द होल क्लास गेस्ट हिज रिडल राइट, द आंसर इन यूनिसन मदर टेरेसा। तो पूरी क्लास ने एक साथ होकर आंसर कहा, मदर टेरेसा। हु डज नॉट नो अबाउट मदर टेरेसा? कौन नहीं जानता है मदर टेरेसा को? पूरी दुनिया में मदर टेरेसा को सब लोग जानते हैं और बहुत मानते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। शी बिगेन हर वर्क एज अ सिंपल नन अमॉन्ग द पुअर इन अवर कंट्री एंड वेंट ऑन टू चेंज द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल। तो वह एक ऐसी लेडी थी, औरत थी, जो सिंपल रहने वालों में से थी, लोगों की मदद करती थी, ऐसे देश जाती थी जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और लोगों का जीवन बदलने में उनकी मदद करती थी। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन यूगोस्लेविया। शी वॉज ऑफ अल्बेनियन ओरिजिन। शी बिकेम अ नन एट अ वेरी यंग एज। तो बेटा, वो नन बनी काफ़ी छोटी सी उम्र में ही, छोटी सी उम्र में ही वह एक साध्वी बन गई। शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नोबल लॉरेट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का। ही हर डीपेस्ट डिज़ायर वॉज टू सर्व गॉड बाय सर्विंग द पुअर। उनकी बहुत क्षमता थी या गहराई थी भगवान के ऊपर और लोगों की, गरीब लोगों की मदद करने का। शी केम टू इंडिया टू टीच इन द लॉरिएटो कॉन्वेंट इन कोलकाता वेयर चिल्ड्रन ऑफ द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्टडीड। मदर टेरेसा रियलाइज्ड दैट आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द कम्फर्टेबल कन्फाइंस ऑफ हर स्कूल एग्जिस्टेड अनदर वर्ल्ड। इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ मिशरी वेयर। तो जब मदर टेरेसा भारत आई लॉरिएटो कॉन्वेंट स्कूल कोलकाता में, जहाँ पर बच्चे जो थे वो पढ़ते हैं, उन्हें बहुत ही खुशी हुई। मदर टेरेसा रियलाइज्ड दैट द आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द कंफर्टेबल कन्फाइंस अनदर वर्ल्ड इज एग्जिस्टेड। तो बाहर की दुनिया जो है वो बहुत ही अलग है। इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ मिशरी वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टार्व टू डेथ। मतलब कि पूरी दुनिया में जो मिशरी, मतलब कष्ट से भरे हुए लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो कि मृत्यु पा रहे हैं। देयर वेयर चिल्ड्रंस विदाउट पेरेंट्स, ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। देयर वेयर ओल्ड मैन एंड वुमेन विदाउट होम्स, बूढ़े लोग जो है, बूढ़े आदमी और औरत है जिनका घर नहीं है, बीमार है और मर रहे हैं, उन्हें ना दवाई मिल रही है ना उनका ध्यान रखा जा रहा है। देवर पीपल स्ट्रिकन विद पावर्टी, गरीबी के कारण वो ये सब कुछ भुगत रहे हैं। हु लिव्ड ऑन द स्ट्रीट्स और बाय द गटर्स, ऐसे लोग हैं जो कि रास्ते पर रह रहे हैं, नालों के पास में अपना जीवन बिता रहे हैं। शी वॉज मूव्ड बाय देयर हेल्पलेसनेस एंड पावर्टी।
डीप इनसाइड शी सीम्स टू हियर देम कॉलिंग आउट फॉर हेल्प. तो उन्हें मदर टेरेसा को ऐसा अपने अंदर से दिल से महसूस हुआ कि यह लोग मुझे मदद के लिए बुला रहे हैं. She gave up her comfortable job of a school teacher and involved herself in helping the poorest of the poor. तो उन्होंने अपनी comfortable job जो वो teacher की कर रही थी वह छोड़ दी उन्होंने और खुद जुड़ गई गरीब लोगों की मदद करने के लिए. Initially there were many hurdles in her path. तो उनके रास्तों में कई कठिनाइयाँ आईं. There were scarcity of funds, पैसा नहीं था, and lack of help, कोई ऐसे लोग नहीं थे जो उनकी मदद करने में उनके साथ जुड़ सके. But this did not discourage her from her mission. पर ऐसा जब उनके रास्तों में इतनी कठिनाइयाँ आईं तो भी तभी भी उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने मकसद को हासिल करने के लिए हिम्मत नहीं हारी. शी हैड फुल ट्रस्ट इन गॉड. उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था. शी वेंट टू द स्ट्रीट्स ऑलमोस्ट एवरी डे. रास्ते पर वो रोज़ चक्कर मारा करती थी पिकिंग अप दीज अनफॉर्चुनेट पीपल. ऐसे लोगों को रास्ते से उठा कर लाती थी अपने घर ले आती थी और उनका ध्यान रखती थी. विच शी हैड स्टार्टेड फॉर देम. मदर टेरेसा हु वॉज अ कैथोलिक हरसेल्फ डिड नॉट केयर अबाउट द रिलीजन ऑफ द नीडी पर्सन. मदर टेरेसा जो थी वो एक क्रिश्चियन नन थी और उन्होंने कभी दूसरे धर्म लोगों की मदद करने के लिए कभी भी ना नहीं कहा. भेदभाव नहीं रखा जात पात का. इन हर आइज हु मैटर्ड मोस्ट वॉज द फैक्ट दैट इन गॉड्स आइज ऑल पीपल वर पार्ट ऑफ वन ह्यूज फैमिली. उनकी आँखों में उनकी समझदारी में एक ही बात थी कि भगवान की आँखों में सभी लोग जो है वो एक ही परिवार के हैं. मीनवाइल न्यूज़ अबाउट द वैल्यूएबल वर्क वॉज डूइंग स्प्रेड. तो जो मदर टेरेसा यह काम कर रही थी लोगों की गरीब लोगों की मदद कर रही थी धीरे धीरे लोगों के कानों में यह बात सुनने को मिली. पीपल वेयर टस्ट बाय हर जनरोसिटी काइंडनेस एंड गुडनेस. मेनी यंग वुमेन ज्वाइंट हर. कुछ समय बाद जब यह बातें लोगों को पता चली तो लोग जो थे उसमें काफ़ी औरतें जो थी वह उनके साथ जुड़ने लगी. द नंबर ऑफ वर्कर्स ग्रू क्विकली. दे फॉर्म्ड अ ट्रस्ट. टुडे देर आर मेनी होम्स सेट अप फॉर पुअर एंड नीडी इन मेनी ऑफ अवर सिटीज़ बाय दिस ट्रस्ट. तो काफ़ी धीरे धीरे करके ऐसे नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वो हेल्प और उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाया और उनका नाम रखा होम्स, जहाँ पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को लाकर रखा जाता है और उनकी मदद की जाती है. यहाँ तक कि उन्होंने काफ़ी शहरों में भी ऐसे ट्रस्ट बनाए हैं. मदर टेरेसाज वर्क वॉज वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड. पूरी दुनिया में उनका काम जो था वो माना गया. शी वॉज हॉनर्ड विद सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द नोबल पीस प्राइज़ फॉर द गुड वर्क शी वॉज डूइंग. इसके लिए उन्हें नोबल पीस प्राइज़ का भी अवार्ड दिया गया जो वो यह काम लोगों की मदद करने का कर रही थी. शी ऑल्सो रिसीव द पद्मश्री एज वेल एज भारत रत्न अवार्ड विच इज़ द हाइएस्ट अवार्ड कन्फर्ड ऑन अ पर्सन बाय द इंडियन गवर्नमेंट. तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो पद्मश्री और भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया. मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड ऑन 5 सितंबर 1997 एट द एज ऑफ 87. तो 87 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई. बट द लैम्प ऑफ लव शी हैड लिट कंटिन्यूज टू गिव लाइट एंड विल डू सो फॉर जनरेशंस टू कम. तो बच्चों इससे हमें क्या सीख मिलती है. यूनिवर्सल लव, सारी दुनिया में प्रेम फैलाओ. Thank you, dear students.